हेलो एवरीवन, कनेक्टिफाई गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। और आज हूँ मैं आपके साथ सिमी, और हमारे साथ मौजूद हैं नविंदर जी, जिनका वक्रा सॉन्ग सभी लोगों को बहुत पसंद आया था और आज उनका एक नया गाना रिलीज हुआ है, दिल सोनिए। चलिए सीधा बात करते हैं नविंदर जी से। नविंदर, पहले तो बताइए आपको कैसा लग रहा है आज आपका नया सॉन्ग सबके बीच आया है? थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बंदा, नर्वस होता हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड भी होता है बंदा जब भी नया कोई चीज बाहर आती है। तो सेम जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस सॉन्ग में शूटिंग के दौरान? एक्सपीरियंस अच्छा था। हमने थाईलैंड शूट किया, हाफ ऑफ द सॉन्ग थाईलैंड में किया और हाफ हमने किया चंडीगढ़ में, तो अच्छा था। थोड़ा सा रिलीज हम लेट कर पाए क्योंकि बिकॉज ऑफ पैंडेमिक हमने सोचा कि अभी नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए अभी कर रहे हैं। रूथ मैम के साथ यह है पहला सॉन्ग है आपका, आपने साथ में पहली बार शूटिंग करी है और सॉन्ग की शूटिंग हुई है, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा था, शी वाज डूइंग दिस फर्स्ट टाइम और अच्छी कोऑपरेटिव लड़की थी और काफी अच्छा किया उन्होंने। पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक से कोई अछूता नहीं रहा है और इसके बाद ये सॉन्ग आना आपके लिए कैसा रहा? काफी देर बाद गाना किया, काफी देर बाद मेरा वीडियो आ रहा है, तो ये सबके लिए अच्छा नहीं था और पेंडेमिक की वजह से मतलब काफी कुछ लॉस में चला गया। और आर्टिस्ट तो मतलब वेले बैठे हैं, घर पे बैठे हैं सारे, है ना, कोई शोज नहीं है, कुछ नहीं है, तो होपिंग कि जल्दी ठीक हो जाएगा सारा कुछ और भगवान विल बी नविंदर, मैं बैक आपके टू। बारे में पढ़ रही थी, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और मुझे पता चला कि आपने एमबीए कर रखा है इन फाइनेंस। हाँ जी, हाँ और एमबीए टू सिंगर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एमबीए से पहले मैं गाता था और स्कूल से गाना शुरू कर लिया था, तो अच्छा, आपने बचपन से शुरू एमबीए, किया हाँ जी, मैं स्कूल में कंपटीशंस होते थे, हर में पार्टिसिपेट करता था, तो सिंगिंग इज माय फर्स्ट लव। तो एमबीए तो मैंने की लेकिन कभी जॉब नहीं की किसी, और लेकिन कंपनी खोली अपनी। नविंदर, आपने 2013 में आपका पहला सॉन्ग आया था यारानू, और हाँ जी आज एक और नया सॉन्ग, तो 2013 जी से और 2021 तक की अपनी जर्नी थोड़ा सा आप ब्रीफ करके बताना चाहेंगे हम सबको? 2013 में मैं कॉलेज में पास आउट था और मेरा लास्ट सेमेस्टर था, उसमें वो गाना शूट किया था। उसी में उसमें हमने देखा होगा शायद मेरे सारे स्कूल कॉलेज मेट्स थे उसमें, तो वो पहला गाना था। और आज मेरे को लग रहा है 5, 7, 8, 10, मे बी मोर देन दैट, इतने गाने आ रखे हैं। और पहले थोड़ा सा शाय था कैमरा पे, तो आजकल नहीं हूँ, और काफी कुछ सीखने को मिला इन सालों में और जर्नी अच्छी थी। तो मेरे को लगता है एवरी डे इज अ न्यू डे और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। और इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था तब, और अभी लाइक पीपल ऑल्सो गेटिंग मी, लाइक मेरे को भी जानने लगे और मैं भी लोगों को बिल्कुल, जानने यू आर लगा। द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर नविंदर, थैंक यू फॉर सो मच, मी एंड आई एम थैंक ऑल फॉर ऑडियंस। यू सो मच। नविंदर, हाँ लाइक मैंने सॉन्ग देखा और सॉन्ग वाज वेरी गुड, तो जी, 2 मिनट 51 सेकंड का ड्यूरेशन है, तो क्या इसके मतलब ड्यूरेशन में आप क्या स्टोरी देना चाहते हैं? व्हाट व्हाट वाज द बिहाइंड स्टोरी? गाने के गाना हाँ, मेरे को लग रहा है कि सिंपल से लिरिक्स हैं और कैची भी हैं, थोड़े से नॉन पंजाबी भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और ज्यादा ऐसे वर्ड नहीं है जो कि समझने मुश्किल होंगे। तो इफ यू स्पीक हिंदी तो आप भी इजीली मतलब वो गाने को समझ सकोगे, तो और कैची सी कंपोज है और समर और ट्रॉपिकल वाइब का गाना। इन लास्ट आप नविंदर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को खुश ये पेंडेमिक के रहो और दौरान? पैंडेमिक से बच के रहो और सारे घर पे रहो, वैक्सीनेशन ले लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने भी ले ली, मैं सेकंड वाली भी ले लूंगा, तो सबको ले लेनी चाहिए और जल्दी से इस चीज से दूर हो जाएं और मतलब इसको भगाएं पैंडेमिक को, और ये हम घर पे बैठ के कर सकते हैं। और कीप लिसनिंग मी और कीप लविंग माय वर्क। थैंक यू सो मच नविंदर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑनर टू स्पीक यू, थैंक यू सो मच। और मैं सो सारे मच, ऑडियंस से कहना चाहूंगी आपके सॉन्ग को सुने, लाइक करे, शेयर करे, खूब सारा प्यार दे आपके सॉन्ग को, सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा है नविंदर।
थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. और सारे ऑडियंस से कहना चाहूंगी सॉन्ग को सुने और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वंस अगेन. बाय बाय.